Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to learn the first lesson of your English textbook. आज हम आपके English textbook के पहला lesson को पढ़ेंगे. Sam's Blue Hat. See the lesson number one. Sam's Blue Hat. यहाँ पे एक लड़का है और उसका जो ब्लू हैट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चलो शुरू करते हैं. वन डे सैम लॉस्ट हिज हैट. एक दिन सैम जो लड़का था वो अपना टोपी घुमाया. इट वॉज ए ब्लू हैट. वो कैसा कलर का टोपी था? वो ब्लू हैट था. इट वॉज वार्म एंड सॉफ्ट. वो टोपी मुलायम और गर्म था. इट हैड ए पम पम ऑन इट्स टिप. जो टोपी था टोपी के ऊपर एक पम पम था. पम पम बोलने से क्या है? पम पम बोलने से एक स्मॉल बॉल मेड ऑफ वूल यूज्ड फॉर डेकोरेशन स्पेशली ऑन ए हैट. जो टोपी रहता है उसके ऊपर जो डेकोरेट करने के लिए डिजाइन बनाने के लिए करते हैं उसको पम पम कहते हैं. ए लिटिल माउस सो द ब्लू हैट. जो टोपी घूम गया था शाम का उसको पहले कौन देखा? ए लिटिल माउस. एक छोटा सा चूहा उसको देखा. इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट. उसको कैसे लगा वो टोपी? उसको वो टोपी वार्म एंड सॉफ्ट लगा. द माउस मूव्ड इन. उसके बाद वो छोटा सा चूहा क्या किया? छोटा सा चूहा उसके अंदर घुस गया. नेक्स्ट ए बनी सो द ब्लू हैट. चूहा के बाद कौन देखा उस टोपी को? उस टोपी को ए बनी एक छोटा सा खरगोश देखा. इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट. उसको वो कैसे लगा? वार्म एंड सॉफ्ट लगा. द बनी हॉप्ड इन. तो बनी ने क्या किया? उसके अंदर घुस गया. द ब्लू हैट गॉट बिगर. उसके बाद जो टोपी ब्लू हैट है वो थोड़ा बड़ा हो गया. ए फॉक्स सो द ब्लू हैट. बनी के बाद कौन देखा ब्लू हैट को? ए फॉक्स. इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट. फॉक्स को भी वो ब्लू हैट वार्म एंड सॉफ्ट लगा. द फॉक्स वेंट इन. द फॉक्स ने क्या किया? उस टोपी के अंदर चला गया. द ब्लू हैट गॉट बिगर. जो ब्लू हैट थोड़ा और बड़ा हो गया. उसके बाद ए गॉट सो द ब्लू हैट. उसके बाद कौन देखा? ए गॉट एक बकरी उस टोपी को देखा. इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट. उसको भी बकरी को भी वो टोपी वार्म एंड सॉफ्ट लगा. द गॉट रन इन. उसके बाद वो बकरी क्या किया? उस टोपी के अंदर घुस के दौड़ के घुस गया. The blue hat got bigger. जो ब्लू हैट शाम का ब्लू हैट घूम गया था वो और थोड़ा बड़ा हो गया. A ladybug saw the blue hat. उसके बाद उस ब्लू हैट को कौन देखा? एक ladybug. It looked warm and soft. उसको भी वो टोपी warm and soft लगा. The ladybug moved in. तो जो लेडी बर्ग है वो भी उस टोपी के अंदर चले गए. उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे हम देखेंगे आखिरी में क्या हुआ टोपी के साथ. एंड पॉप वेंट द ब्लू हैट. तो ब्लू हैट क्या हो गया? फट गया. पॉप बोलने से बर्स्ट विद. पॉप बोलने से पूरी तरह फट जाना. तो टोपी का क्या हो गया हालत? टोपी पूरा पूरा फट गया. द माउस वॉज सैड.
माउस को दुख लगा। द बनी वॉज सैड, बनी को भी दुख लगा। द फॉक्स वॉज सैड, द गॉट वॉज सैड, द लेडी बर्ग वॉज सैड। बाकी पूरे को दुख लगा। नाउ व्हाट वॉज लेफ्ट, तो क्या बच गया? टोपी तो पूरा फट गया, तो आखिरी में क्या बच गया? ओनली द पॉम पॉम, केवल जो टोपी के ऊपर पॉम पॉम था वो बच गया। तो आज हम क्या पढ़े? आज हम साम्स ब्लू हैट के बारे में पढ़े, साम का ब्लू हैट के बारे में पढ़े। साम का ब्लू हैट कैसे घूम गया, कौन सा कलर का था, कैसा था और टोपी के साथ क्या हुआ, उसके बारे में हम पढ़े। तो आज का आपका होमवर्क ये है, होमवर्क नंबर 1, ओपन द PDF फाइल ऑफ दिस लेसन एंड रीड द होल स्टोरी 5 times लाउडली। आपको क्या करना है, जो इस लेसन का PDF फाइल आपको दिया गया है उसको खोलना है और 5 बार इस लेसन को लाउडली पढ़ना है। और नंबर 2, मेमोराइज द फॉलोइंग वर्ड्स विद स्पेलिंग, जो नीचे दिए गए वर्ड्स को आपको स्पेलिंग सहित मेमोराइज करना है, याद करना है। पहला वाला ब्लू, फर्स्ट वन इज ब्लू, BLUE ब्लू। नेक्स्ट वर्म, WARM वर्म। सॉफ्ट SOFT सॉफ्ट। माउस MOUSE माउस। लिटिल LITTLE लिटिल। इस 5 वर्ड को आपको मेमोराइज करना है स्पेलिंग के साथ और आपके नोटबुक में भी लिखना है। तो आज हम साम्स ब्लू हैट के बारे में पढ़े। तो साम का ब्लू हैट कौन सा कलर का था? ब्लू कलर का था। और साम अपना टोपी एक दिन घुमाया और उस